फ्रेंड्स, ये वीडियो रात का शूट हो रहा है, तो ये परी कल सोमवार है, सोमवार का व्रत है, तो इसीलिए परी रात में ही सारे बर्तन धो के रख दे रही है ताकि सुबह जल्दी से पूजा कर लें और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, परी सारे बर्तन यहाँ पे मांज रही है। तो सारे भगवान के बर्तन हैं तो उसने सब पहले उठा के रख दिया था ऊपर, मतलब हम जगह कम थी तो इसलिए उठा के ऊपर रख दिए थे, तो सब लेकर के आई है इसलिए ये बर्तन मांज रही है। तो अब मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ सुबह का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का वीडियो हम सब लोग नहा चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे। मैं रानी शर्मा, सिंगल मदर लाइफ स्टाइल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप जो लोग भी मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो का आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पे मंदिर में आई हूँ पूजा करने के लिए। छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है। तो वैसे तो मैं पूजा भी घर पर ही कर लेती हूँ, लेकिन घर पर अभी मेरी ठीक से बैठने की जगह है नहीं क्योंकि बहुत छोटा सा घर है, तो इसलिए हम मंदिर में आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ पूजा। तो भगवान को मैं पहले तिलक विलक कर दे रही हूँ क्योंकि अभी मंदिर में ज़्यादा कोई लोग आए नहीं है, तो अभी सब लोग आ जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी। तो यहाँ पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, बाद में परी कर लेगी, हम दोनों साथ में भी कर लेते हैं, पर यहाँ पे स्टैंड नहीं था इसलिए मैं अकेली कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया है कि मुझसे ना खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पता नहीं क्या हो गया था, रात को सोई हुई थी तो मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि मुझे चलना ही भारी पड़ रहा था, पैर मुड़ भी नहीं रहा था, मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी। लेकिन मेरे को बस क्या है, मेरा काम, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था काफ़ी टाइम पहले, शायद उससे ही वजह से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो अब शायद मैं आज पूजा करके जाऊंगी मैं दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास, क्योंकि ये दर्द मेरे को रात को ही हुआ था। तो मेरे छोटा लड़का है उसको भी बुखार चढ़ा हुआ है, कृष्णा, मैं उसको भी ले करके जाऊँगी दवाई लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूजा करते समय भोले बाबा शायद मुझसे नाराज़ हो गए, मेरे हाथों से देखिए लोटा छूट गया। सच बताऊँ तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा था पूजा करने के लिए क्योंकि मेरे हाथों से लोटा छूट गया, तो फिर भी मैंने अपने मन को मनाया कि भक्ति भाव है अपना तो हमें पूजा करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपनी पूजा को संपर्क करा और फिर मैंने उनके दिए जोत बत्ती मैंने जलाई। तो और उसके बाद ही मुझे दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा बैठने में, तो मैं क्या करूँ, फिर मैंने इस तरीके से बैठ खड़े होने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैं पलाथी मार के बैठ करके फिर मैंने अच्छे से पूजा करी यहाँ पर। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को इतनी तकलीफ़ हो रही थी बैठने में, लेकिन मैं क्या करती, फिर भी मैंने करा कि चलो पूजा तो करनी है, बिना पूजा करे तो हो नहीं सकता। और आपको एक बात और बता दूँ कि आप देख ही रहे हो मैं यहाँ पर फल फ्रूट में कुछ भी नहीं लाई हूँ, ना मैंने भोले बाबा को बेलपत्र वगैरह चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर के आई हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही हाथ है, दूसरा हाथ अभी मेरा काम नहीं, दो मेरे बन मतलब दूसरा लड़का, मेरी अभी सिर्फ लड़की काम कर रही है, लड़का काम नहीं कर रहा है। और मैं जो काम कर रही थी तो मेरे बच्चे ने मुझसे छुड़वा दिया क्योंकि घर में कोई नहीं रहता है, कृष्णा अकेला रह जाता है, वो छोटा है अभी, तो घर में देखना होता है, जैसे स्कूल जाते समय उसको तैयार वगैरह करना होता है, तो इसके लिए वो बच्चे मना करते कि मम्मी आप रहने दो, जब हम काम कर रहे हैं तो आपको बाहर काम करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर भी मेरे को ज़्यादा कोई काम तो होता नहीं है, जो हल्का फुल्का ही काम कर रही थी, तो इसीलिए मेरे बच्चों ने मना कर दिया कि मम्मी आप घर बैठिए, आप काम मत करिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं पूजा करने लगी थी तो ये पड़ोस की लड़की पूजा नहीं कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप पूजा कर लो, तो इन्होंने वीडियो में नहीं आना चाह रही थी, तो पर ही पूजा कर रही थी मैं, उसने बोला कि मम्मी मेरा तो शूट कर लो, तो इसमें ये लड़की आ गई है तो आप इनको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये खुद ही नहीं चाह रही थी कि कोई वीडियो शूट हो, तो परी ने बोला। फिर मैंने उसके बाद बस थोड़ा सा ही लिया था, मैंने ज़्यादा नहीं किया वीडियो, ज़्यादा नहीं बनाई। परी ने जितनी परी ने पूजा करी थी बस उतनी। और अभी हम घर पर आ चुके हैं और आने के बाद यहाँ पे देखिए परी चाय बनाई हुई है और परी चाय पी रही है। तो परी ने कृष्णा को दूध नहीं दिया बना करके और उसको देखो कैसा मुँह बनाया। तो मैंने परी को बोला कि परी उसको भी दूध बना दे, तो परी ने मुझे चाय दी और ख़ुद भी चाय ले ली। और उसके बाद अब बनाने जा रही है वो कृष्णा का दूध, जब मैंने उसे कहा तो कृष्णा के लिए दूध भी बना रही क्योंकि ये है ना पीता नहीं है जल्दी से, बहुत नखड़े करता है दूध पीने के लिए, तो इसे बॉर्नविटा का दूध हम देते पीने के लिए। कहता मम्मी मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तो मैं इसके लिए हाइट बढ़े इसके लिए मैं दूध लेकर के आती हूँ, प्लस टू का हॉर्लिक्स लेकर के आती हूँ,
ताकि इसकी हाइट बढ़ जाए, पर इसकी हाइट बढ़ती ही नहीं है, इतनी इसकी हाइट इतनी ही रहती है। तो ये परी इसके लिए बना रही है, अब देखते हैं इसके पीने के बाद इसकी कितनी हाइट बढ़ती है। वैसे मैं फिलहाल 2 महीने से इसको यही पिला रही हूँ, तो अभी तो दे दी मैंने कृष्णा को, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं आया। एक बार तो थे आलू की सब्जी पानी के लिए और दिन में ज़्यादा वीडियो सो रही थी, तो थोड़ा सा मुझे सोच करा था, तो ये सोने अपने लिए बना रही है पूरी सब्जी। मतलब जो हमने आलू की सब्जी बनाई थी, तो इन बच्चों ने कहा कि हम अपने लिए पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम आलू की सब्जी और ये अपने लिए है, और आलू की सब्जी और ऐसे आलू की छोटे आलू छोटे बना लेते हैं, ताकि बच्चे भी सुन जो खा लेंगे। ज़्यादा कुछ बनाती हूँ आलू की सब्जी बना लेते, हम दोनों जन यही खा लेते हैं। हमारे गाइस को भी पूछ लो, पराठे बना के लेके जा रहे थे, हो गया हो गया। अब खाते परी से मांग ले, परी से मांग ले, पूछ लेना कितने नखड़े कर रही है।